गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका आर एस कैरियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और अपनी प्लांट फिजियो यूनिट चल रही थी, उसमें बात करते हैं आज लेक्चर नंबर 10 की। तो इसमें अपन ने जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है उसके अंदर टर्पीन्स पढ़ लिए थे। अब बात करते हैं फिनोलिक कंपाउंड्स की। तो फिनोलिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये किससे बने होते हैं? फेनिल या एरिन रिंग से बने होते हैं। फेनिल रिंग क्या होती है कि ये 6 कार्बन की रिंग है और बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पे साथ में क्या है, OH। अब एक बात देखते हैं कि फिनोलिक कंपाउंड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। स्टार्टिंग में क्या होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से उससे टेरेस्ट्रियल लाइफ है, मतलब ज़मीन पर क्या ही लाइफ आई। तो उसके लिए क्या है, अलग अलग चीज़ें बनी। जैसे कि मान लो वाटर है, उसके अंदर क्या हुआ, लिग्निन का फॉर्मेशन हुआ, जाइलम और ये सब बने। जाइलम से वाटर जाता है, ये बस में ओफ्लोएम से फूट जाता है। इसमें और बात करें तो क्या हुआ, जैसे मान लो ये वेसल्स, ट्रेकिड्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, ये सब का फॉर्मेशन हुआ। ये जो तीनों है ये क्या है, डेड सेल्स। वेसल्स, ट्रेकिड्स और जाइलम फाइबर क्या है, डेड सेल्स है, क्योंकि इनमें किसका डिपोजिशन है, लिग्निन का। और जो पेरेन्काइमा है, जाइलम पेरेन्काइमा, वो क्या है, लिविंग सेल। तो ये भी नेट में पूछ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कलरिंग एजेंट्स की। जो कलर प्रोवाइड करते हैं वो कौन होते हैं, फ्लेवोन्स। ये क्या करते हैं, फ्लोर को कलर प्रोवाइड करते हैं। ओड्यूर कंपाउंड्स होते हैं, ओड्यूर मतलब एक अच्छी खुशबू प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद बात करें तो हाई टेम्परेचर है, हाई लाइट इंटेंसिटी होती है, आपको पता है टेरेस्ट्रियल पे। तो उसके लिए क्या बने, आइसो फ्लेवोनोइड्स। इसके अलावा क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी यहाँ क्या बने, फ्लेवोनोइड्स। तो ये क्या है कि जब इवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम किसकी जरूरत पड़ी थी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। अब बात करते हैं जो फिनोलिक टर्पीन्स है, ये वैसे फिनोलिक और टर्पीन्स थे, टर्पीन्स पढ़ लिया। अब बात करते हैं फिनोलिक कंपाउंड्स की। तो उसके लिए आपको पता है फिनोलिक कंपाउंड्स 3 अमीनो एसिड से बनते हैं, WIF, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और वैलिन एलिनिन। ये क्या है, प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है किसके, फिनोलिक कंपाउंड्स के। और फिनोलिक कंपाउंड्स क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसके अलावा बात करें तो पहले ये देखते हैं कि ये अमीनो एसिड किससे बनते हैं। तो ये अमीनो एसिड तो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो प्राइमरी है। तो ये अमीनो एसिड के बनने के पाथवे क्या बोलेंगे, प्राइमरी पाथवे। और उस पाथवे का नाम क्या है, सिकिमिक एसिड पाथवे। इसके अंदर क्या होता है कि एक तो पाथवे चलता है, आपको पता है नॉर्मल सेल के अंदर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, मतलब वैसे RBC के अंदर चलता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, PPP पाथवे। इससे क्या बनेगा, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बनेगा, जिसमें कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन। और क्या बने, इधर से ग्लाइकोलाइसिस चल रहा होगा, उससे क्या बनेगा, पैप, जिसमें कितने कार्बन, 3 कार्बन। फिर एक एंजाइम आता है एल्डोलेज, जो क्या करेगा, 7 कार्बन का क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट। 7 कार्बन का क्या बनाया, इंटरमीडिएट। अब बात करें कि इस एल्डोलेज को भी कौन ब्लॉक करता है, तो जो लास्ट में 3 अमीनो एसिड है, WIF, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फेनिलएलनिन, वो फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू क्या करते हैं, इसको इनहिबिट करते हैं। अब ये 7 कार्बन का कंपाउंड बन गया। फिर इसके बाद क्या हो गया, साइक्लाइजेशन। फिर क्या हुआ, डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर का रिमूवल। फिर क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये सिक्वेंस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या बन जाएगा, सिकिमेट। इसके बाद क्या बनाया, सिकिमेट। फिर एंजाइम आएगा सिकिमेट काइनेज, जो क्या करेगा, सिकिमेट 3 फॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट ऐड कर देगा। ये तो इसलिए यहाँ पे एंजाइम कौन आता है, सिकिमेट काइनेज। फिर इसके बाद कौन आता है, EPSP सिंथेज एंजाइम आता है, जो सिकिमेट 3 फॉस्फेट को किस में चेंज कर देता है, EPSP में, 5-पिनोइल पायरोइल सिकिमेट 3 फॉस्फेट। अब यहाँ पे एक बात है कि EPSP सिंथेज को ब्लॉक कौन करता है, तो ये करता है एक हर्बिसाइड है राउंड ऑफ, जिसका नाम क्या है, ग्लाइफोसेट, जो इसको ब्लॉक करता है। अब इस PSP के बाद क्या बन जाता है, यहाँ कोरिजमेट। अब बात करते हैं अगर कोरिजमेट के बाद कोरिजमेट म्यूटेज आया तो क्या बनेगा, टायरोसिन और फेनिल एलिनिन। और अगर एंथ्रानिलेट सिंथेज आया तो क्या बनेगा, एंथ्रानिलेट, और वो आगे जाके क्या बनेगा, ट्रिप्टोफेन। और जब ये अमाउंट में ज़्यादा हो जाते हैं, कंसेंट्रेशन में ज़्यादा हो जाते हैं, तो यही इस एंजाइम को, खुद के एंजाइम को क्या कर देते हैं, ब्लॉक। अब ये तो क्या है, सिकिमिक एसिड पाथवे, प्राइमरी पाथवे, जिससे क्या बने, 3 अमीनो एसिड, WIF। अब बात करते हैं कि फिनोलिक कंपाउंड कैसे बनते हैं इन 3 अमीनो एसिड से। तो उसके लिए भी कितने पाथवे हैं, 2 पाथवे फिनोलिक कंपाउंड बनने के। एक तो है फिनोइल प्रोपेनोइड पाथवे, जिसको बोलते हैं कोर पाथवे। एक है मेलोनिक एसिड पाथवे, टर्पीन में कौन सा आया था, मेवालोनिक एसिड पाथवे, और यहाँ क्या है, मेलोनिक एसिड पाथवे। अब बात करें फिनोलिक कंपाउंड में, तो इसका ऐसा हो सकता है कि एक ओनली फेनिल रिंग हो, मतलब 6 कार्बन की, या 6 कार्बन की 1 कार्बन बाहर हो, 6 कार्बन 2 कार्बन बाहर हो, 6 कार्बन रिंग में और 3 कार्बन बाहर हो, या 6 कार्बन फिर 3 कार्बन फिर एक और रिंग 6 कार्बन की। तो इससे क्या बन जाएगा, फ्लेवेनोइड।
छह कार्बन, तीन कार्बन, छह कार्बन, और ये क्या मल्टीपल टाइम, मतलब 10 लगा है, मतलब कई बार रिपीट हो रहा है, तो इससे क्या बन सकता है 10 ही। अब बात करते हैं फिनाइल प्रोपेनोइड पाथवे की। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले कि टायरोसिन से कैसे बनेगा। तो टायरोसिन से कैसे बनेगा, टायरोसिन से पहले रिलीज होगा NH3, उससे क्या बन जाएगा कॉमेरिक एसिड, क्या बन जाएगा कॉमेरिक एसिड। फिर उसके बाद ये क्या बनेगा सिनेमिक एसिड, और फिर आगे जाके क्या बनेगा फिनोलिक कंपाउंड्स। अब बात करें कि फेनिलएलनिन से कैसे बनेगा, तो यहाँ से NH3 रिलीज होगा, कौन रिलीज करेगा PAL, फिनाइल एलिनिन अमोनिया लाइस, इससे क्या बनेगा ट्रांससिनेमिक एसिड। फिर उसके बाद इससे क्या बनेगा काउमेरिक एसिड, इसमें क्या ऐड होगा को एंजाइम ए, यहाँ क्या बन जाएगा काउमेरिल को एंजाइम ए। फिर आगे जाके क्या बनेंगे फिनोलिक कंपाउंड्स बनेंगे, जैसे कि लिग्निन, कैफिक एसिड, पेरुलिक एसिड और सिंपल कोई फिनोलिक प्रोपेनोइड्स। ऐसे ही बात करें ट्रिप्टोफैन के अंदर, तो ट्रिप्टोफैन में क्या होता है कि ट्रिप्टोफैन के बाद क्या बनेगा यहाँ डायरेक्टली कॉमेरिन, ये बस नहीं। तो ये क्या है तीनों पाथवे है जिससे क्या बनता है फिनोलिक कंपाउंड्स। मतलब पहला पाथवे का नाम क्या होगा फिनाइल प्रोपेनोइड पाथवे, जिसे तीन अमाइन एसिड से क्या बनते हैं फिनोलिक कंपाउंड्स। अब इसके बाद बात करें सेकेंड पाथवे का नाम है मेलोनिक एसिड पाथवे। इसमें क्या होता है एक यूनिट होती है सिनेमाइल कोएंजाइम ए या काउमेरिल कोएंजाइम ए की, और साथ में आता है तीन मेलोनिन कोएंजाइम ए। ये कहाँ से आते हैं, ये ऊपर वाले पाथवे से ही आते हैं। इसके बाद बात करें यहाँ एक यूनिट सिनेमाइल कोएंजाइम ए, काउमेरिल कोएंजाइम ए प्लस तीन मेलोनिन कोएंजाइम ए। ये बस में फिर क्या होता है यहाँ पे एक एंजाइम आता है चालकोल सिंथेस, जो क्या बनेगा टेट्रा हाइड्रोक्सिल चालकोल, और इस साइड एक एंजाइम आता है स्टील बेन सिंथेस, जो क्या बना लेता है स्टील बेन। पर यहाँ से बात है और आगे चलता है कि चालकोल सिंथेस क्या बनेगा टेट्रा हाइड्रोक्सिल चालकोल, फिर आगे जाके क्या बनाएंगे फिनोलिक कंपाउंड्स बनाएंगे, जैसे कि फ्लेवोन्स, आइसोफ्लेवोनोइड्स, फ्लेवोनोइड्स, जिसमें क्या होते हैं छः कार्बन की रिंग, फिर तीन कार्बन, फिर छः कार्बन की रिंग। फिर आगे जाके क्या बनाते हैं कंडेंस टेनिन बनाते हैं, कहाँ होते हैं ये वैक्यूल के अंदर, इसमें भी क्या होता है छः कार्बन, तीन कार्बन और छः कार्बन, और इसका बार बार क्या होता है रिपीटेशन। फिर आगे जाके क्या बनाएंगे एंथ्रोसाइनिन, जो कहाँ मिलेंगे वैक्यूल में। अब बात करें कि फिनोलिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स क्या क्या हो सकते हैं। हम बात करें फिनोलिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है काउमेरिन का, काउमेरिन में भी किसका नाम आता है फिरोना काउमेरिन का, जो क्या करता है इनएक्टिव को किसके कर देता है एक्टिव में कर देता है, और कौन करता है UVA रेज, और एक्टिव मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है इंटरकलेक्टिंग एजेंट, इंटरकलेक्टिंग मतलब जो डीएनए के डबल स्ट्रैंड डीएनए के बीच क्या करे बाइंड, तो इससे रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए बनना और ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनना दोनों क्या हो जाते हैं ब्लॉक। एक यहाँ पे पॉइंट लग रहा है कि यूवी अल्ट्रा वायलेट ए रेज है वो क्या एब्जॉर्व करती है, तो 320 से 400 नैनोमीटर की क्या करती है वेवलेंथ एब्जॉर्व करती है। सेकेंड बात करें तो यह एफ्लाटोक्सिन B1 कहाँ से मिलता है एस्परजिलस फ्लेवस से, और क्या बनाता है माइकोटोक्सिन। थर्ड बात करें डाउकोमेरोल, ये क्या स्ट्रॉन्गली एंटी कोगुलेंट है, मतलब खून को जमने नहीं देता ब्लड को, तो ये क्या है एंटी कोगुलेंट। ये क्या करता है डाइकोमेरिल विटामिन के को ब्लॉक कर देता है, विटामिन के ब्लॉक होने का मतलब है जो बारह क्लोटिंग फैक्टर्स है जैसे सेकेंड, सेवन्थ, नाइन्थ, टेंथ, सारे जो क्लोटिंग में काम आते हैं ये क्या हो जाएंगे ब्लॉक। 70% जो बॉडी में विटामिन के की जो पूर्ति है वो किससे होती है बैक्टीरिया से। नेक्स्ट जो फिनोलिक कंपाउंड्स है वो कौन है कैफिक एसिड एंड फेरुलिक एसिड, ये किस में काम आते हैं एलिलोपैथी के अंदर। कैफिक एसिड और फेरुलिक एसिड किस में काम आते हैं एलिलोपैथी, मतलब एक प्लांट क्या करता है एलील एलो केमिकल सीक्रेट करता है ताकि वहाँ दूसरे प्लांट की ग्रोथ ना हो। इसके नेक्स्ट फिनोलिक कंपाउंड की बात करें जिसका नाम है लिग्निन, वाटर में क्या होता है इनसोल्यूबल, कैसे बनता है ये सिनेपिल कोएंजाइम ए प्लस काउमेरिल कोएंजाइम ए प्लस कोनिफेरिल कोएंजाइम ए। यहाँ के जाके क्या बनाएंगे मोनोलिग्नोल, जो क्या है मोनोमर है सिंगल सब यूनिट, और फिर यहाँ के जाके बनाते हैं लिग्निन पॉलीमर, मल्टीपल सब यूनिट होता है ये लिग्निन। नेक्स्ट जो फिनोलिक कंपाउंड है उसकी बात करें तो वो है टेनिन, टेनिन क्या है पॉलीफिनोल्स है, और क्या है हाइड्रोलाइजेबल टेनिन है, किससे मिलके बना होता है गैलिक एसिड प्लस ग्लूकोज से, और क्या हो सकते हैं इसमें नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन भी हो सकते हैं जिनको और क्या बोलते हैं कंडेंस्ड टैनिन।
अब नेक्स्ट जो फिनोलिक कंपाउंड है उसकी बात करें तो ये स्कोपोलिटिन, जो क्या टाउकैमेरल का ही टाइप है, सीड कोट में क्या करता है, ये सीड के अंदर क्या करता है, जर्मिनेशन को क्या करता है, प्रिवेंट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी बात किसकी है, फिनोलिक कंपाउंड्स की। और भी कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जैसे कि नाम है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। इसमें बात करें तो यहाँ जैसे कार्बन या आर आर प्राइम एल्किल ग्रुप है, या ओ सुगर और सी ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या है, इनएक्टिव। फिर एंजाइम कौन आता है, ग्लाइकोसाइडेज, जैसे यहाँ से क्या रिलीज होगा, सुगर, और क्या बन जाएगा, आर आर प्राइम सी ओ एच और सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सुगर की जगह क्या आ गया, एच आ गया, और नाम हो गया इसका साइनोहाइड्रिन। फिर एंजाइम आता है लाइस, आर आर प्राइम सी डबल बॉन्ड ओ प्लस एच सी एन। एच सी एन क्या करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ब्लॉक करता है, मतलब ये कहाँ काम आता है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में काम आता है, मतलब इससे क्या ब्लॉक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन। आर या आर प्राइम का मतलब है एल्किल ग्रुप या फेनिल ग्रुप, और इस साइनोजन ग्लाइकोसाइड्स का एग्जाम्पल क्या है, थूरिन, तो ये नेट के अंदर आराम से पूछ सकता है। एक और सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें, उसका नाम है ग्लूकोसिनोलेट, ये क्या सल्फर कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, और एंटी हर्बीवोर ये, मतलब हर्बीवोर्स को प्रिवेंट करता है प्लांट को खाने के लिए। हर्बीवोर्स क्या हो गया, जैसे कि मान लो डियर, हिरन, तो ये भी सीधा सीधा पूछ ले सल्फर कंटेनिंग कौन से है, तो ग्लूकोसिनोलेट, और साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स का एग्जाम्पल क्या है, थूरिन। तो ये क्या है सारी बात सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब आर एस करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी, एंड वेरी थैंक यू बच्चों।